नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिए गए, जिनमें से राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और औद्योगिक निवेश के साथ साथ औद्योगिक विकास का वातावरण बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही कर्मचारी हित और पत्रकार हितों में भी विभिन्न निर्णय लिए गए। इन सारे निर्णयों की जानकारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रेस ब्रीफिंग में दी। उन्होंने बताया कि राज्य में किस तरह से निवेश का वातावरण बन सकता है, किस तरह से पर्यटन और दूसरे तरीकों से या सेलिब्रिटीज को बुलाकर औद्योगिक विकास और राज्य को उच्चतम आयाम पर ले जाने के लिए काम किया जा सकता है, इसको लेकर निर्णयों की जानकारी उन्होंने दी। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा की अध्यक्षता में आज आयोजित की गई मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारी कल्याण, पत्रकार कल्याण, सौर ऊर्जा और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी उद्योग से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिसंबर में राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है और एक विकसित राजस्थान बनाने की ओर हमारा प्रदेश चल पड़ा है। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण रिम्स 2024 को मंजूरी दी गई। प्रदेश में नए निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कैसे हम नया इन्वेस्टमेंट लेके आ सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे और अच्छी बना सकते हैं, हर प्रकार से कोई भी अपना अगर बिजनेस स्थापित करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है राजस्थान में, संभावनाएं बहुत है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, टूरिज्म में बहुत संभावनाएं है, मैन्युफैक्चरिंग में है, हमारे एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ी मात्रा में है। तो इन सब चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स को हम कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं कि वो राजस्थान में आए और अपनी इंडस्ट्री के साथ इसपे रोजगार को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। और रिच 2024 में एमएसएमई सेक्टर से लेकर नए उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए। साथ ही ग्रीन ग्रोथ बहुत आवश्यक है, हमारे पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी और हर प्रकार से रिच 2024 में स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत जैसे इंसेंटिव दिए गए हैं, निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए कर दी गई है। पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करते हुए 10 करोड़ रुपए किया गया। जैसा कि मैंने कहा, टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हमारे प्रदेश में और इसमें इस रिच पॉलिसी में इसमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान भी दिया गया है, फोकस भी किया गया है। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए क्षेत्र में, नए उभरते हुए क्षेत्रों की सूची का विस्तार करते हुए इसमें एरो और स्पेस, रक्षा, ड्रोन, सेमीकंडक्टर्स, एग्रीटेक और वेस्ट जो वेस्ट रेजोल्यूशन होता है जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया है। हमारा वेस्ट मैनेजमेंट भी इसमें लिया गया है, कैसे उसका भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत होता है, उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है। 1 करोड़ रुपए से कम का एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने वाली एमएसएमई को भी रिप्स के दायरे में लाया गया है। प्रदेश की इनको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के विजन और बजट 2024-25 की घोषणाओं के अनुरूप रिप्स 2024 में हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ, निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन और क्षमता विकास कैपेसिटी बिल्डिंग पर विशेष फोकस किया गया। नए यूनिट्स लगाने और पहले से चल रही इकाइयों को प्रोत्साहन देने के साथ साथ उन मौजूदा उद्यमियों को भी रिप्स 2024 के लाभ प्रदान किए जाएं, जो कि हमारी 6 यूनिट्स हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए फिर से रिवाइव किया जाए। जो हरित विकास में निवेश कर रहे हैं और पहली बार निर्यातक बन रहे हैं, रिप्स के अंतर्गत लड़ने वाली इकाइयों की परिचालन लागत को कम करने के लिए भूमि और बिजली के संबंधित एफओपी फैक्टर और प्रोडक्शन
इंसेंटिव शुरू किए गए हैं। फ्लेक्सिबल लैग कॉस्ट पेमेंट मॉडल में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने वाले निवेशक भूमि लागत का 25% अग्रिम भुगतान कर सकते हैं। शेष 75% 10 किश्तों में 8% ब्याज सहित तय होगा। 8 प्रकार की पावर इंटर